मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह मेरे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार मेरे साथ, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर मेरे साथ हैं, और मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर, सबसे पहले शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगा, पिछले कुछ दिनों में आ रहे बयान, चुनाव को देखते दिए जा रहे बयान आप समझ रहे हैं, या जो कुछ भी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान या स्कर्दू या बाकी जगह आपको दिखाई पड़ रहा है, ये उससे पैदा हो रही वाइब्रेशंस हैं कि ये बयान आने लगे हैं, और ये बयान क्या वाकई आगे आने वाले दिनों में जमीन में हकीकत पर उतरते आपको दिख रहे हैं? राजीव, देखिए ये जो बयान है इनको मैं मिला जुला मेरा जवाब होगा, इलेक्शन के टाइम पर इसलिए ये बयान आ रहे हैं क्योंकि कुछ विरोधी दल जो है वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, तो उन स्टेटमेंट्स का एक माकूल जवाब मेरे हिसाब से ये है, पहली बात। दूसरी बात, पीओके भारत का था, इसमें कभी संशय नहीं था। ये 93 में पार्लियामेंट में ये रेजोल्यूशन पास किया जा चुका है कि पीओके पूरा संपूर्ण कश्मीर भारत का था, है और रहेगा। और अब जिस प्रकार के हालात अंतरराष्ट्रीय पटल पर भारत और पाकिस्तान के डोमेस्टिक लेवल्स पर उभर करके आ रहे हैं, उन्होंने इस मुद्दे को बहुत आगे ले गए। आप देखिए, उसकी मैं बताता हूं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जब मैं बात कर रहा हूं, भारत की साख लगातार बढ़ रही है, भारत की आर्थिक शक्ति लगातार बढ़ रही है, भारत का के टॉक्स का, भारत के बयानों का वजन दुनिया में लगातार बढ़ रहा है। इकलौता देश ऐसा है जो कि अमेरिका से चिनूक ले रहा है, फ्रांस से रफाइल ले रहा है, रशिया से S-400 ले रहा है, इजराइल से दोस्ती है, ईरान के साथ चाबहार में डील कर रहा है। तो ये एक बहुत भारी जो सफलता भारत की है ये नजर आ रही है। तीसरी बात, पिछले 70-80 सालों में पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के हुक्मरानों ने जो जिसको वो आजाद कश्मीर कहते हैं, वहां पर सिवाय दमन के कोई काम नहीं किया। आज एक मिनट राजीव, एक और मिनट, जो आज की परिस्थिति है, जिस प्रकार से वहां पर महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ा है, उसको लोग देख रहे हैं, उसका कंपैरिजन भारत। मैं इसी चीज को जोड़ते हुए आगे बढ़ जाता हूं कि पीओके में अभी क्या हाल हैं, जो हाल खुद वहां से चिंगारी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो पाक फौज के जुल्म पर लोगों का सब्र अब वहां पर टूट गया है। पाकिस्तानी फौज हो, पाकिस्तानी रेंजर्स हो या वहां की पुलिस हो, पीओके में आजादी का आंदोलन अब तेज बढ़ गया है। पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है लेकिन वो भारत का हिस्सा है, और वो लोग भारतीय कश्मीर के हिस्से में हो रहे विकास, वहां लोगों की बेहतर जिंदगी को देखते हुए साथ आना चाहते हैं। खैर, मैं एक बार फिर से चाहूंगा इस चीज को मैं और आगे एलोबरेट कर सकूं। पाकिस्तान के कब्जे से आजादी की मांग, पीओके के शहरों कस्बों में पाक के खिलाफ नाराजगी, महंगाई, बेरोजगारी और बिजली कटौती से परेशानी, पीओके में आजादी का आंदोलन और तेज हो गया, कई एक्टिविस्ट ने भारत से मदद की गुहार लगाई, पाक की शह पर चीन का दखल और अत्याचार भी बढ़ा है, सीपीईसी के नाम पर चीनी कंपनियां वहां मनमानी करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो पीओके क्या है, पीओके को समझ भी लेते हैं। 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर के एक हिस्से पर जबरन कब्जा कर लिया, 1300 वर्ग किलोमीटर एरिया, 40 लाख से ज्यादा की आबादी, कहने के लिए पीओके में एक अलग सरकार भी काम करती है, कठपुतली सरकार पर पाकिस्तान का पूरा कंट्रोल है, पाकिस्तानी फौज लोगों पर बेहिसाब जुल्म ढाती है, ISI की शय पर कई आतंकी संगठनों के ट्रेनिंग कैंप यहां पर चलते रहते हैं। मेजर शाह, पाकिस्तान के कब्जे में अगर ये इलाका इतने दिनों से है, और पाकिस्तान ये साबित करना चाहता था कि वो इलाका उसका है, तो शायद वहां पर वो कुछ कर पाता, लेकिन फिलहाल वहां के हालात से वहां की जनता इतनी ज्यादा परेशान है कि वो खुद कह रही है कि उसका जुड़ा हुआ एक हिस्सा जो भारत के पास इस वक्त है, वहां इतनी ज्यादा लोगों की बेहतरी, और हम यहां कंगाली और बुरे दौर में जी रहे हैं, तो वहां के प्रदर्शन, वहां के विरोध को लेकर अगर ये आवाजें उठती हैं कि देर सवेर अपने आप भारत का हिस्सा बनेगा, तो गलत क्या है? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है राजू भाई। देखिए,
जो पीओके जो है उसका वो हिस्सा हमारा था, 100% हमारा था, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और ये भी मानने की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को भी ये बात माननी चाहिए, पाकिस्तान ने इलीगली गैर कानूनी तरीके से इस पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। और जैसे कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब, हमारे नॉर्दर्न आर्मी कमांडर साहब ने भी पहले, जब वो नॉर्दर्न अभी वाइस चीफ हैं, अभी जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब ने भी एक बात क्लियर की थी कि हम तैयार हैं पूरी तरीके से पीओके को वापस लेने में, बस सरकार का आदेश का इंतजार है और अरे यार, हिंदुस्तान वापस ले सकता है वो। पाकिस्तान के अंदर खुद ही इंटरनल इतनी प्रॉब्लम हो रही है, वहां पे गिलगित बल्तिस्तान में, बलूचिस्तान में, वहां पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, उनको हिंदुस्तान के साथ रहना है। और आप देखिए जिस तरीके का माहौल बना है, 100% मेरे को पूरा यकीन है कि अगर हम एक पॉलिटिकल आदेश आ जाए, हिंदुस्तान की मिलिट्री पूरी तरीके से तैयार है पीओके को वापस लेने में। आपको मैं छोटा एग्जांपल देके मैं खत्म करूंगा। हमारा घर है और हमारे घर में किसी गुंडे मवालियों ने गैर कानूनी कब्जा करके बैठा हुआ है हमारे आंगन में, और अपनी वहां पे झोपड़ पट्टी वहां पे चालू कर दी, शुरू कर दी है। हम क्या करेंगे? हम ठीक है ऑब्जर्व करेंगे, मगर हम वापस तो लेंगे लेंगे अपनी जमीन को, तो हम वापस लेंगे ही लेंगे। बस ठीक उसी तरीके से, बस एक पॉलिटिकल आदेश की जरूरत है, मिलिट्री तैयार है पूरे तरीके पॉलिटिकल से। आदेश की आप जरूरत की बात कह रहे हैं, और कहा यह भी जाता है कि यह पॉलिटिकल विल ही होती है जो सेना, आर्मी या इस तरीके की जिम्मेदारी निभाने वाले लोगों को, इन कंटिजेंट्स को, वो ताकत देती है कि वो फैसले को जमीन पर उतार सके। मैं बड़ी खबर का रुख करता हूं। पाकिस्तानी सेना ने अब तालिबान को एक कड़ी चेतावनी दे दी है कि तालिबान हमले बंद कर रहे वरना नतीजे खतरनाक होंगे। अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए पाकिस्तानी सेना तैयार है। पिछले 6 दिनों से पाकिस्तान और तालिबान एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ड्यूरंड लाइन पर गोलीबारी से पाकिस्तान बेहद परेशान है। अगली ब्रेकिंग ले लेते हैं। पाकिस्तान और तालिबान में सीमा पर भीषण लड़ाई हो रही है। पाक तालिबान में अफगानिस्तान बॉर्डर पर एक जंग छिड़ी है। तालिबान ने पाकिस्तानी सेना को यहां मुंहतोड़ जवाब दिया है। तालिबान ने एक पाकिस्तानी सैनिक को यहां ढेर भी कर दिया है। पाकिस्तान के साथ खूनी संघर्ष में अब तक 7 मौत हो चुकी हैं। पाक अफगान के बीच ड्यूरंड लाइन पर हालात बिगड़े हैं। पाकिस्तान तालिबान ने एक दूसरे पर गोलियां बरसाई हैं, तो वेस्टर्न सेक्टर पर, वेस्टर्न फ्रंट पर सब कुछ ठीक यहां पर नहीं दिख रहा है। संजीव जी को मैं इस चर्चा में लाना चाहूंगा। संजीव जी, ड्यूरंड रेखा तो भारत और अफगानिस्तान के बीच की थी, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच क्यों है, हम भी उसको समझ सकते हैं वर्तमान हालात को देखते हुए। लेकिन वो अफगानिस्तान जिसे पाकिस्तान का कहना था कि अमेरिका से छुटकारा दिलाने में पाकिस्तान ने एक बड़ा रोल निभाया, आज क्या हो गया? आज दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़े हैं और दोनों ही एक दूसरे को खत्म करने पर आमादा हैं। वेस्टर्न सेक्टर, वेस्टर्न फ्रंट इस वक्त काफी ज्यादा वोलेटाइल है। देखिए राजीव जी, ये जो ड्यूरंट लाइन है इसको अफगानिस्तान की किसी भी सरकार ने कभी मान्यता नहीं दी है पाकिस्तान वर्तमान के समय साथ। में। जी, जो ये पाकिस्तान तो अवश्य इसको मानता है, लेकिन अफगानिस्तान की जो सरकार है, चाहे वो तालिबान की ही सरकार क्यों ना हो, उसने भी इसको कभी नहीं माना है। और पाकिस्तान की जो साजिश ये रही है कि ये ड्यूरंड लाइन पर जो बाड़ लगाने का इन्होंने काम किया, उसके पीछे की पाकिस्तान के हुक्मरानों की ये मंशा ये थी कि ये जो पश्तून आबादी है, जो कि सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में पाकिस्तान में वर्तमान में है और इससे ज़्यादा उसके बाद अफगानिस्तान में है, उसको ये पाकिस्तान के हुक्मरान डिवाइड करके रखना चाहते थे। ये पश्तूनों के ऊपर भी दमन करते हैं, शोषण करते हैं, बर्बरता अत्याचार की जाती है। पाकिस्तान में एक पश्तून तहफ़ मोमेंट भी चल रहा है। ये मोमेंट बहुत ही शक्तिशाली है और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं इस बात को लेकर के सशंकित रहते हैं कि यदि पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के जो पश्तून आबादी है, यदि आपस में ये इनका ज़्यादा इनका मिलना जुलना हो गया, ज़्यादा इनके बीच में समन्वय हो गया, तालमेल हो गया, तो ये जो पश्तूनिस्तान है इसकी अलग मांग ये और तेज कर देंगे। और ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों की जो मंशा है, इसकी वजह से इन्होंने ड्यूरंड लाइन पर बाड़ लगाने का काम किया और इस माध्यम से वो पश्तून आबादी को डिवाइड करके रखना चाहते हैं, जो कि तालिबान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तालिबान पश्तूनों के ऊपर जो पाकिस्तानी हुक्मरानों के द्वारा जो जुल्म सितम किए जाते हैं,
जो उनकी बर्बरता अत्याचार किया जाता है उसको लेकर के तालिबान के अंदर एक गहरा असंतोष रहता है। इसी वजह से जब जब तालिबान की जो सरकार जो बनने वाली थी उसके पहले ही जब पाकिस्तान के हुक्मरानों को इस बात का एहसास हो गया कि ये जो इनकी सरकार आने वाली है ये काबुल की सत्ता में आने वाले हैं, और ये भी देखिए राजीव जी कितनी बड़ी विडंबना है कि एक तरफ तो ये तालिबान को काबुल की सत्ता पर बैठाने के लिए उन्होंने अपनी सारी ताकत झोंक दी थी पाकिस्तानियों ने, और दूसरी तरफ ये डूरंड लाइन पर बाढ़ भी तेजी से लगा रहे थे ताकि ये जो तालिबान आ गया तो हमारे लिए पैदा खतरे पैदा करेगा। वही भस्मासुर बनाया है इन्होंने जो अब इनको चैलेंज कर रहा है, लेकिन अब चैलेंज कर रहा है तो पाकिस्तान उसको आतंकवादी हरकत कहकर उसको एक अलग सेगमेंट में रखने की कोशिश करता है। खैर, अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को फटकार इस बीच में लगा दी है, चीनी कर्मचारियों की मौत के मामले में कड़ी नसीहत दे दी है अफगानिस्तान ने। पाकिस्तान का बयान बेहद गैर जिम्मेदाराना है, सच्चाई से हमेशा ध्यान भटकाता है पाकिस्तान। अफगानिस्तान का कहना है आतंकी हमलों के जिम्मेदार तालिबान नहीं है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान का कहना है। और अगली बड़ी खबर, शहबाज शरीफ सहमे से, शहबाज शरीफ पर चीन के राष्ट्रपति भी भड़के हैं। पाकिस्तान में चीनी लोगों की मौत पर चीन लाल हो गया है, चीन के राष्ट्रपति को मनाने की कोशिश में इसहाक डार पाकिस्तान के डिप्टी पीएम को फजीहत झेलनी पड़ी। पाकिस्तान में चीन के अरबों की परियोजनाओं का काम चल रहा है, चीन ने पाकिस्तान के डिप्टी पीएम को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। परियोजनाओं में शामिल चीनी श्रमिकों की सुरक्षा का ध्यान लगातार बढ़ रहे आतंकी हमलों ने शहबाज की भी नींद उड़ा के रखी हुई है। इधर चीन के चार दिवसीय दौरे पर हैं पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इसहाक, यूके देवनाथ सर जो कि अब सभी से बात हो चुकी है, तो यूके देवनाथ सर से मैं इस पर रिएक्शन चाहूंगा। यूके देवनाथ सर, एक घूम फिर कर सहारा चीन ही बसता है पाकिस्तान के लिए, जहां वो गाये बगाये पहुंच जाता है, पैसा लेना हो तब भी पहुंच जाता है, किसी स्ट्रेटजी की तैयारी करनी हो तब भी पहुंच जाता है, इंटरनेशनली खुद को अलग थलग पड़ने से बचाना हो तो भी पहुंचता है, और अपनी आर्थिक माली हालत सुधारनी हो तो भी पहुंचता है, तो झाड़ तो खानी पड़ेगी। जी हाँ राजीव जी, पाकिस्तान अभी दो बैसाखियों पे चल रहा है, एक तो लोन फ्रॉम आईएमएफ और दूसरा है लोन फ्रॉम चीन। ये तो पाकिस्तान की किस्मत बहुत अच्छी है कि चीन ने सीपीईसी प्रोजेक्ट के नाम पर पाकिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर दिए। अगर सीपीईसी प्रोजेक्ट नहीं होता तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आज से 10 साल पहले ही चरमरा जाती, लुढ़क जाती। अभी भी पाकिस्तान में जो भी कोई राजनेता है या उनके डिप्लोमेट्स हैं, जिस दिन वो अपना कुर्सी संभालते हैं सबसे पहले वो चीन में जाते हैं, शी जिनपिंग के आसपास घूमने की कोशिश करते हैं, चाइनीज जो पीएलए के टॉप कमांडर्स हैं उनके कदम पैर छूने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है चाहे उनकी आर्मी नेवी एयरफोर्स हो, उनका पूरा का पूरा जो रिसर्च है किसी भी एरिया में सब चीनी तकनीक से बना हुआ है। और तो और आज अगर चीन पाकिस्तान से अपने लोगों को हटा ले, यानी चीन ने सीपीएसी प्रोजेक्ट के तहत जितने अपने चीनी नागरिकों को पाकिस्तान में भेजा हुआ है, तो पाकिस्तान के पास अपने लेवल पे तो इतने ब्यूरोक्रेट टेक्नोक्रेट और स्पेशलिस्ट प्रोफेशनल्स ही नहीं है जो कि अपने बल पर सीपीईसी प्रोजेक्ट को या ग्वादर प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाए। तो पाकिस्तान को मालूम है कि उसको अपने आप को आस्ते आस्ते चीन को बेचना है। ठीक है, बने रहिए सर हमारे साथ, क्योंकि पाकिस्तान में इन दिनों एक अजीब सा दौर चल रहा है। संसद में भारत की तारीफ होती है, पाकिस्तान पर तंज कसे जाते हैं, अब एक और मंत्री ने भारत की तारीफ कर दी है, गृह मंत्री हैं मोहसिन, उन्होंने जमकर भारत के कसीदे पढ़े हैं। मोदी सरकार अपने व्यवसायियों को सम्मान देती है, पाकिस्तान में व्यापारियों का अपमान होता है, व्यापारियों का समर्थन करने से भारत तेजी से तरक्की कर रहा है, व्यापारी तरक्की करता है तो सरकार चोर का तमगा देती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में व्यवसायियों को चोर बताया जाना गलत है। और चलिए आपको मौलाना डीजल का ही बयान सुनवा देते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की संसद में भारत की जमकर तारीफ की थी। 45 को सुबह 8 बजे दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया और कराची में कायदे आजम मोहम्मद अली जिनाह ने हल्फ उठाया।
एक ही दिन हम आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं कि डिफॉल्ट ना हो जाए हम लोग। थोड़ी सी गुजारिशात इस हवाले से इसलिए कर रहा हूं कि शायद उनकी नॉलेज में ना हो, शायद उनको उनके लोग उनको ये ना बताते हो। तो कराची के आज हालात ये हैं कि दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे यहाँ मासूम बच्चे खुले हुए गटर में गिरकर मर रहे हैं। एक ही स्क्रीन पर एक खबर है कि इंडिया चांद पर चला गया और उसके दो सेकंड के बाद खबर है कि कराची में किसी गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्चा गिर गया मर गया, और ये हर तीसरे दिन की खबर है। पाकिस्तान की सियासत जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अब जल्द इस्तीफा देने वाले हैं। शहबाज पीएमएलएन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे। 28 मई को नवाज शरीफ शहबाज की जगह लेंगे और नवाज पीएमएलएन के अध्यक्ष पद का जिम्मा संभालेंगे। ये एक बड़ी खबर यहाँ पर, क्योंकि शहबाज शरीफ दोनों जिम्मेदारियाँ निभा रहे थे। मेजर शाह, ये शहबाज शरीफ अध्यक्ष पद का जिम्मा, अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी छोड़ रहे हैं, या फिर आने वाले दिनों में हम ये भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान के पीएम भी बदल जाए? वो देश ही बदल जाएगा वो, क्योंकि उनकी लीडरशिप ऐसी है ना कि कुछ कह नहीं सकते, वहां पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मुमकिन है वहां पे। तो अगर वो इस्तीफा दे रहे हैं शहबाज शरीफ, तो कॉमेडी सर्कस ये भाई लोग, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि लोग नेटफ्लिक्स और प्राइम अमेज़न ना देखें। कभी भी कोई एंटरटेनमेंट या मनोरंजन चाहिए ना, तो पाकिस्तानी न्यूज जरूर देख लें, उससे आपका मनोरंजन भी हो जाएगा और जो कॉमेडी सर्कस वहां पे हो रहा है, कुछ ना कुछ चलता रहता है वहां पे। आप देखिए, अगर किसी और देश के बारे में रिपोर्ट करेंगे तो इतना दिलचस्प नहीं होगा, चटपटा नहीं होगा, मगर यहाँ पर इतना वो दिलचस्प कर देते हैं। कई बार तो मुझे लगता है कि हमारे लिए कर रहे हैं ताकि हम उनकी जगह सही करें, या दुनिया के लिए अपना पद कटवाते हैं। वो क्या कटवाते हैं वो सब समझते हैं क्या कटवाते हैं, लेकिन कटवाते जरूर हैं। रहने दीजिए, कई चीजें हैं, इशारे से ही ज्यादा बेहतर समझी जा सकती हैं। लेकिन हम अपनी चर्चा के उसी मूल पहलू पर सामने आते हैं। भारत के रक्षा मंत्री ने यूं ही नहीं कहा था कि भारत को फोर्स का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। पीओके में हालात ही ऐसे हो गए हैं कि अब वहां के लोग भारत के साथ मिलने के लिए आतुर हैं, उतावले हैं। भारत बेहतरी के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां पर सबको सम्मान और डेवलपमेंट सबसे ज्यादा प्रमुखता के साथ है। बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखा आप सभी ने। एक छोटे से ब्रेक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जल्द।